चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर कोरोना महामारी के दौरान कुंदन तुलसीराम पाटिल ने जिस तरीके से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, जिस तरीके से हर ठाणे जिले के हर गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से हर कोरोना केंद्रों पर, हर टीकाकरण केंद्रों पर जाकर के लोगों को सेवाएं दी, वहां पर जो जरूरी सामग्री थी उसे मुहैया कराया। दिन रात वे चिंतित रहा करते थे कि हमारे खास करके ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना महामारी जो धीरे धीरे अपना पांव पसार रही हो, जिसे देख करके वह चिंता तो जताते हुए उन्होंने अपने इस कार्य को पूरी तरह जारी रखा। और वह अवसर भी आया जब जिलाधिकारी कार्यालय से जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने उनकी प्रशंसा की और कोरोना योद्धा पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर भाऊ साहेब दानगे, भिवंडी तालुका शिवसेना सचिव दीपक पाटिल, राजेंद्र कबाड़ी संपर्क सचिव दीपक पाटिल, शिवसैनिक शेखर मामा फरमान, राजेंद्र पाटिल उप तालुका प्रमुख चक्रधारी पाटिल, मोहन गायकवाड़, अनंता भामरे भी वहां पर उपस्थित थे। दापोड़ा गांव के ने जिस तरीके से इस कार्य को अंजाम देते हुए और दापोड़ा गांव का जिस तरीके से उन्होंने नाम रोशन किया, दापोड़ा गांव के लोगों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं वह दृश्य दिखाने के लिए, वह क्षण दिखाने के लिए जब उनका सम्मान किया जा रहा है और कोरोना योद्धा पुरस्कार से वह सम्मानित किए जा रहे हैं। अपने ठाणे जिले के सभापति श्री कुंदन पाटिल जी हे महाराष्ट्रातले एकमेव असे आरोग्य सभापती आहेत की त्यांनी आपल्या जिल्ह्यातल्या सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपकेंद्रांना भेट दिली। माझी देखील अनेकदा दौऱ्यावर त्यांची कुठल्या ना कुठल्या PHCमध्ये भेट पाहिजे असं अतिशय तळमळीने आणि तन मन धन अर्पून खऱ्या अर्थाने, कारण पहिल्या लाटेमध्ये त्यांनी भिवंडीमधले जे सर्व कामगार होते, जे अडकलेले होते स्टँडर्ड लेबर्स, त्यांच्या देखील खानपानाची सोय केली होती आणि नंतर आरोग्य सभापती म्हणून जिल्हा परिषदेला ॲम्ब्युलन्सेस मिळवून देणे असो, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये किंवा कोविड सेंटरला ज्या सुविधा लोकांना मिळवून देण्यासाठी अतिशय मनापासून प्रयत्न केले, त्याची अशीच वाटचाल उत्तरोत्तर होत राहो आणि अधिक चांगल्या पदांवर, मोठ्या पदांवरती जाऊ अशा मी शुभेच्छा आजच्या निमित्ताने भेटतो।